बात करती तो अच्छा लगता परफॉर्मेंस के बाद। अब इजाजत हो तो शुरू करें। शुक्रिया शुक्रिया, अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। हाँ सविता, कल उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? सविता कल तेरी बेटी किस लड़के के साथ घूम रही थी? हाँ सविता, कल तेरा पति किससे बात कर रहा था? सविता तूने सुना, शर्मा जी के बेटे को घर से निकाल दिया है, वो इंजीनियरिंग में दो साल फेल हुआ है। सविता तूने सुना, शर्मा जी के बेटे को घर से निकाल दिया है, वो इंजीनियरिंग में 2 साल फेल हुआ है। यही चकरिया करने के लिए हम बने हैं, इसी के लिए पैदा हुए हैं। माफ करो, यही नहीं हो पा रहा हमसे। बिल्कुल रौनक, बिल्कुल एक बार और ट्राई करते हैं। आजा चल, आजा आजा। स्माइल करना, मुस्कुरा बे, ऐसे हंसते ऐसे हम क्या हंसाएंगे दुनिया को। आंटी वाला वीडियो को पूरा माँ बहन कर दिए हम। हमारा देश भी अलग है, हर बात पे हो हो बस यही करता रहता है। इलाहाबाद का सही है, यहाँ सब अपना गजब करते हैं। कैसे हो? गजब। बीवी छोड़ के भाग गई? गजब। गर्लफ्रेंड कैसी है? गजब। पास हो गए? आई गजब। अच्छा यूट्यूबर है? गजब। खुद ही सब करता है? गजब। एडिट भी खुद करता है, एक्ट भी खुद करता है, देखता भी खुद ही है? गजब। भैंसों के साथ सोता है, इन्हीं से पति आता है, इन्हीं के साथ रहता है? गजब। गजब बवाल की हो तुम रौनक पांडे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये रिमोट सा लगे है पर रिमोट है एटम बम का, ये सुने सभी की बोल करे जो भी हो उसके मन का। बस ये आखिरी चढ़ावा है, इसके बाद हमसे नहीं हो पाएगा। आज अगर तुम घर से गए तो याद रखना, इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। घर में एंट्री बैन है तुम्हारी, मेरे पापा से परमिशन लो फिर यहाँ आना।
आज अगर तुम घर से याद रखो इस घर के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरे ओ पगलेट, अब कौन सी नई कहानी लिख रहे हो? एकदम सीरियस। अच्छा सुनो, जन्मदिन मुबारक हो। अरे पुष्पा, तुमको याद था? और नहीं तो क्या? तो लाओ हमारा एक तोहफा। तुम्हारा तोहफा तो घर पर है, घर चलो। क्या मतलब? मतलब पापा तुमको माफ कर दिए हैं, घर पर बुलाया है। क्या बात कर रही हो, हमारा पोपट मत बनाओ। सच बोल रहे हैं, और तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भी सोच रखा है पापा ने, और केक हमारी तरफ से रहेगा। वैसे सरप्राइज हम भी सोचे हुए हैं उनके लिए। आज से ये जोगराई बंद, जैसे पापा बोलेंगे ना वैसे ही करेंगे हम। बाप रे बाप, अब तुम हमें पोपट बना रहे हो ना, है ना? नहीं माँ कसम। ठीक हो ना तुम? हाँ एकदम लल्लन टाप। अच्छा हम चलते हैं, और सुनो ना आकर आना, गोबर की महक आ रही है तुमसे। काहे की गोबर की महक? मनोहर बाबू, रौनक की चिट्ठी आई है। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं तो देंगे कंटाप पे। क्या हुआ पापा, काहे लबलबा रहे हैं? आज से तुम्हारा पांडे खानदान से रिश्ता खत्म। जन्मदिन मुबारक हो, अपना बाकी का सामान लो और निकलो यहां से। वापस मुड़ के मत देखना, वरना हमारा बड़ा मुंह देखोगे। अरे अब क्या हुआ है, काहे तो आ रहे हैं आप? तुम्हारी सारी चोरी पकड़ी गई है। 2 साल से तुम फेल हो रहे हो। ये देखो उसका रिपोर्ट कार्ड आज ही मिला है हमको। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि साल भी फेल हो गए। फेल हो गए तुम? जब तुम दिल्ली गए थे ना तभी हम नाराज हुए थे, पर हमारा दिल नहीं दुखा था। तुम्हारी हर गलती को, हर नादानी को हम माफ कर सकते हैं, लेकिन ये जालसाजी, ये धोखा, ये विश्वासघात नहीं बेटा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अरे पाई पाई जोड़कर तुम्हें हमने इंजीनियरिंग कराने भेजा था, कई सालों से बैंक लोन की किस्त चुका रहे हैं, पिछले 1 साल से डाकघर में पैसा जमा कर रहे हैं, सोचा तुम्हें एक लैपटॉप गिफ्ट में देंगे, मगर डाक बाबू ने ये थमा दिया हमारे हाथ में। बेटा मुझे, हमें इतना तो यकीन था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें रुला नहीं सकते। तुम्हारी मां मरी थी ना, तब हम रोए थे, बहुत रोए थे, और आज तुमने हमको रुला दिया, तुमने हमको रुला दिया।
सुनो, आज के बाद ये घर में ना आए और ना ही तुम इससे कोई रिश्ता रखोगी, नहीं तो हमें पापा मत कहना। भैया, हमको दरोगा बहाली से लात मार के निकाल दिए। अरे हसीए ना इस बात पे, हसीए, हमसे कुछ कहिए, हमें चिढ़ाइए, लेकिन चुप मत रहिए। अच्छा भैया, जोक सुनिएगा, हाँ? चलिए आपके लिए एक जोक सुनाते हैं। एक बार संतवा बंतवा से बोला कि बंतवा बाहर जाके देखो कि सूरज निकला है कि नहीं। बंतवा बोला, भैया बाहर तो अंधेरा है। संतवा बोला कि अरे मूर्ख, टॉर्च लेके जाओ ना। अरे कोई इन्हें हंसाएगा, हम 1000 रुपया देंगे। अरे भैया एक बार बोलिए ना। अरे गजब भैया, बोलिए ना एक बार। आज से तुम्हारा पांडे खानदान से रिश्ता खत्म, तो निकलो यहां से, वापस मुड़ के मत देखना, वरना हमारा मरा मुंह देखोगे। तुम्हारी सारी जोड़ पकड़ी गई है, 2 साल से तुम फेल हो गए, तुम्हें काले से निकाल दिया क्योंकि साल भी फेल हो गए। तुम्हारी माँ बनी थी ना, नमक रोए थे, बात रोए थे, रात आज तुमने हमको रुला दिया।
भैया पान गुटका बहुत खाते हैं तो गुटका जो है वो दांत में फंस जाता है ऐसे, ठीक है तो निकालने के लिए लकड़ी दीजिए। एक मिनट लाइए। अरे जरा सुनिए, आपकी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। रे गजब, चंट लौंडा हमारी दुकान पे। अरे भाई साहब एक बार वो अपना गजब स्टाइल से बोलिए ना, अपने मुंह से एक बार अपने मुंह से बोलिए ना प्लीज। अच्छा एक सेल्फी तो बनती है। आपकी आवाज कितनी बढ़िया है, पहले रेडियो में काम करते थे? नहीं है? अच्छा कितना हुआ बताइए। अरे भाई साहब आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे, पूरी दुकान आपकी है। क्या बात कर रहे हैं है? क्या बात कर रहे हैं है? कैसी बात कर दी, आगे से सोच समझ के बोलिएगा। अरे भाई साहब पांडे जनरल स्टोर, हाँ यही तो है। अंकल नमस्ते। नमस्ते। वो रौनक पांडे आप ही के बेटे हैं ना? चाहिए क्या तुमको? मैं एक उभरता हूँ यूट्यूबर हूँ, छोटी सी मुलाकात करा देना, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। छोटी लाइफ सेट करूँ या बड़ी? हाँ बड़ी वाली। अभी ले बड़ी वाली, ये ले बड़ी वाली लाइफ ले। इधर आ, इधर आ, तू रुक जा, रुक, इधर इधर। पढ़ना लिखा है इन लौंडों को, यूट्यूबर बनेंगे सबके सब। मत घुमाइए, पढ़िए। क्या है ये? पता ना बहुत अंग्रेजी पहली हुई है, आप ही पढ़िए। कौन दिया तुमको? वो पुष्पा दीदी दी हैं, बोला दे देना। वैसे लिखा कहाँ है? तुम्हारा काम था देना, दे दिया, हम जाओ। भैया आपको जाना तो पड़ेगा, आपका आपके बाप भी जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत पेलो और निकलो यहां से। हाँ हुई है बउआ से गलती और उसकी सजा वो भुगत रहा है। इतने दिन चल रहा था ना आपके कहने पे,
लेकिन बताइए उसके चेहरे की हंसी छीन के खुश हैं आप? आपका तो पता नहीं, लेकिन हम बहुआ से बहुत प्यार करते हैं। हम उसे दिल्ली लेकर जा रहे हैं, आपके बिना तो हो जाएगा नहीं, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे चाहे आपसे रिश्ता ही क्यों ना टूट जाए। हमारा नाम है रौनक पांडे और हम लेके आ रहे हैं एक सीरीज आपके लिए। नाम याद रखिएगा, समझ रहे हैं? एक साथ बोलेंगे सारे नाम हमारा रौनक, ठीक है? रा से आवाज नहीं आ रही। ऐसा है भैया, ये है दिल्ली, इलाहाबाद के यूट्यूबर हैं हम, तो वहां तक जानी चाहिए आवाज। रा से ये बात आई, गजब। सपना नहीं है बे, सच है। और क्या कंटाप सच है। Hi guys, so finally episode 4 आ गया है, और अगर आपको episode अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट और शेयर भी करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड गाइस प्लीज आप लोग भी सपना देखा करिए, सपने सच में पूरे होते हैं। देखा नहीं हमारे रौनक भैया के कैसे सारे सपने पूरे हो गए? और बाय द वे आज हमारा सपना भी पूरा हो गया, हमारा सपना आपके सामने एक वेब सीरीज लाने का। अब पूरी की पूरी वेब सीरीज हमारे चैनल पे अपलोडेड है, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको दिखाओ और बताओ कि आपको सबसे अच्छा एपिसोड कौन सा लगा। सैटरडे संडे आ रहा है, देख लो सब करके देखो साथ में, ऐसे बिंज वॉचिंग करके ऐसे। क्या है, चल रहा है।